अध्ययन निष्पत्ति 05-15-04 सुनिए अथवा पढ़ी रचनाओं की विषय वस्तु, घटनाओं, चित्रों और पात्रों, शीर्षक आदि के बारे में बातचीत करते हैं। कक्षा 5वीं, विषय हिंदी, पाठ गड़ाधन। सुंदरपुर गांव में कौन सा किसान रहता था? राघव, बी रामदीन, सी गोपाल, डी हरिनाथ। बी रामदीन। दूसरा सवाल, रामदीन को कितने बेटे थे? ए 2, बी 3, सी 4, डी 1। सी 4। तीसरा सवाल, रामदीन के बेटे कैसे थे? ए आलसी, बी बहादुर, सी मतलबी, डी स्वार्थी। ए आलसी। चौथा सवाल, रामदीन को किसकी चिंता सताया करती थी? ए बेटों के भविष्य की, बी बेटों के भूतकाल की, सी बेटों के वर्तमान क्या की, डी बेटों के खाने की। ए बेटों के भविष्य की। पांचवा सवाल, पत्नी ने रामदीन को कहां जाने का उपाय सुझाया? ए बाजार, बी तीर्थ यात्रा, सी पाठशाला, डी खेत में। बी तीर्थ यात्रा। छठा सवाल, बेटे क्या सुनकर खुश हुए? ए कहानी, बी तीर्थ यात्रा, सी फसल, डी गड़ा धन। डी गड़ा धन। सातवां सवाल, रामदीन के परम मित्र का नाम क्या है? ए राम, बी सुंदर, सी हरिनाथ, डी केदारनाथ। सी हरिनाथ। आठवां सवाल, हरिनाथ ने चारों भाइयों को क्या सलाह दी? ए तीर्थ यात्रा पर जाने की, बी फसल बेचने की, सी आराम करने की, डी बीज बोने की। डी बीज बोने की। नौवां सवाल, चारों भाइयों के उदास चेहरे पर क्या दौड़ी? ए दुख की लहर, बी नाराजगी की लहर, सी खुशी की लहर, डी गाने की लहर। सी खुशी की लहर। दसवां सवाल, चारों भाइयों ने रात के समय खेत में कौन सा काम आरंभ किया?
ए बीज बोने का, बी खुदाई का काम, सी फसल निकालने का काम, डी पानी देने का काम। ए खुदाई का काम। शिक्षक परिचय। श्रीमती साधना सिद्धनाथ दुधाळ, शाळेचे नाव क्रांतिवीर नागनाथांना नायकवडी, प्राथमिक शाळा मसवड।